हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, लिमिट्स हमने पढ़ लिया था। लिमिट्स का ही अब इसमें अप्लीकेशन है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसमें मैं लिमिट्स को भी ऐड कर दूं तो जेई मेंस में मिनिमम दो क्वेश्चन तो आने ही है इस पूरी यूनिट से। तो काफी हाई वेटेज है, और लास्ट ईयर इसका लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए थे। इस बार चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आ सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, बिकॉज जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ए इम्पोर्टेंट चैप्टर। और चैप्टर टफ नहीं है, थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा। और दो दो क्वेश्चन भी अगर आते हैं, मतलब 8 मार्क्स भी अगर आपने सिक्योर कर लिया तो आपकी रैंक बहुत ऊपर हो जाएगी। आया ना? आपको पता है ना, मैथ्स में अगर मैं एवरेज बात बताऊं, पिछले 4 ईयर का डेटा अगर मिलूं, अगर आप 50 मार्क्स भी लेके आ जाते हो तो मैथ्स में, इन मैथमेटिक्स, 50 मार्क्स इन नियरली इक्विवेलेंट टू 98 to 99%। मतलब 50 मार्क पे आपका 99% तक पहुंच जाता है, 98 से 99%, आधे नंबर। क्लियर है? तो Yes, अगर हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, वैसे इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप 95 तक भी लाना चाहते हो तो 30 मार्क पे हो जाएगा, 24 से 30 मार्क पे। क्लियर है? तो अगर आपको 30 नंबर भी लाना है, कोई चैप्टर अगर आपको 8 नंबर दे रहा है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस कितना होगा आप सोच के देखें। तो लिमिट्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना मॉड्यूल वगैरह से, और उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है? इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवेल, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवेल, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और बेसिक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। हाँ, कुछ चीजें डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे। ये पूरा टारगेट है, कम से कम ये पूरा चैप्टर लगभग 4 से 5 लेक्चर मिनिमम चलेगा। 5 लेक्चर में, लगभग 5 लेक्चर में चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगले 5 लेक्चर आपको 8 नंबर देके जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले समझते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी होती क्या है, और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। हाँ, ग्राफिकली अगर आप इसको समझना चाहो तो आपने ऑलरेडी शायद स्कूल में पढ़ भी लिया होगा अब तक तो ये चैप्टर। कोई भी ग्राफ अगर मैं इस तरह से स्मूथली ड्रॉ कर पाऊं बिना अपने पेन को लिफ्ट किए, ठीक है, बिना पेन को लिफ्ट किए कोई भी ग्राफ अगर हम इस तरह से स्मूथली ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन मेरे क्या होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे फंक्शन मेरे क्या होते हैं? कंटिन्यूस। ग्राफिकली अगर चेक करना तो इस तरह से कंटिन्यूटी चेक कर जाती है। हर पॉइंट पे फंक्शन मेरा क्या रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। अब डिसकंटिन्यूस कब बोला जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूस कब नहीं होगा? अगर उसके ग्राफ कुछ इस तरह से अगर आपको दिख जाए, जहां पे भी ब्रेक दिख रहा हो ग्राफ के अंदर, जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे पूरे, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे ब्रेक आ रहा है, इस पॉइंट पे भी क्या आ रहा है? ब्रेक आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को मैं बोलूंगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे?
डिसकंटिन्यूअस। क्लियर आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आया यहाँ तक? यस अब ग्राफिकली तो दिख रहा है मुझे कि हाँ, ग्राफिकली देख देख के तो बता दूंगा मैं किसको डिसकंटिन्यूअस किसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, लेकिन हर फंक्शन का हर बार ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल तो नहीं है। हर फंक्शन का ग्राफ तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बिना ग्राफ के कैसे चेक करेंगे किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो बिना ग्राफ के कैसे पता करें? तो बिना ग्राफ के हम लिमिट का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला एक ग्राफ लिया था, ये वाला, ठीक है? चलो सबसे पहले बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। तो अगर मुझे ए पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू ए, अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा फंक्शन की, तो लेफ्ट साइड से अगर देखूंगा तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? तो लेफ्ट होगी, बताओ। एमओ की तरफ से। यस हाँ, इस फंक्शन की सर, एमओ एम। अगर मैं पूछता हूँ, अच्छा बताओ राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, राइट साइड से फंक्शन किसकी तरफ को अप्रोच कर रहा है? की तरफ से। यस वापिस एम की तरफ ही जा रहा है। राइट साइड से भी सर, अगर देखूंगा थोड़ा सा आगे, तो ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट वापिस किसकी तरफ जा रहा है? एम की तरफ ही जा रहा है। फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी होगी, वो भी एम के बराबर? तो यस सर, यस यहाँ पे क्लियरली तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। LHL भी इक्वल है, राइट RHL भी कंटिन्यूअस इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी A पे क्या है? इक्वल। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, है ना? ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। वहीं पे अगर ये वाला ग्राफ आ जाए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले ग्राफ में अभी अपने देखा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इक्वल टू। सेकेंड ग्राफ की मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे आप मुझे LHL बता दो कि x इक्वल टू a पे LHL कितना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा एम है? की तरफ। m RHL एन की तरफ से। तरफ से राइट एन की तरफ। right साइड से फंक्शन n की तरफ कर रहा है, वेरी गुड। और फंक्शन की वैल्यू a पे? n, एन से। एम वेरी गुड, एम से। n है ना? अच्छा यो एन ए तो है, यहाँ पे क्लोज है ना, एन के बराबर आएगी। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही, तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, फंक्शन की लिमिट क्या होगी? एक्सटेंड्स टू एन सर। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट साइड से एम की तरफ जा रहा है, राइट साइड से एन की तरफ जा रहा है, तो एक्सटेंड्स टू ए पे क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट सर। नॉट एग्जिस्ट ना, बताया तो था, यस सर। भूलना नहीं है। क्या लिखोगे? क्यों? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट राइट हैंड लिमिट। हैंड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो इस केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और फंक्शन भी कैसा है? डिसकंटिन्यूस। तो एक्सटेंड डिसकंटिन्यूटी का एक ही कारण हो गया। डिसकंटिन्यूटी का कारण एक क्या आ गया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। आरी बात समझ? डिसकंटिन्यूटी। यस सर। पहला रीजन हमने पता कर लिया डिसकंटिन्यूटी का, कि अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL, अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं उस पॉइंट पे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। अब अगले ग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो बताओ लिमिट कितनी आ रही है? एम सर। एम के बराबर, एम सर। मतलब हाँ लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, एम के बराबर होगा, दोनों इक्वल है तो बोलो। नो सर। यस क्यों? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही ना, लिमिट में हम क्या देखते हैं? नेबरहुड देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू थोड़ी देखते हैं। ओके सर, लिमिट में हम क्या देखते हैं कि नेबरहुड में फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? एक्स के जस्ट थोड़ा सा पहले और जस्ट थोड़ा सा बाद, दोनों ही केस में फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? एम की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, ठीक है। यस लिमिट की वैल्यू सर। एम के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना,
लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम के बराबर। अच्छा यहाँ पे अगर पूछता फंक्शन की वैल्यू ए पे बताओ तो क्या लिखते, ध्यान से देखो फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या ओपन सर्कल आ रहा है ना, तो क्या है नॉट डिफाइंड है। यस सर नॉट डिफाइंड, फंक्शन की वैल्यू ए पे, ए पे देखो ना ओपन सर्कल आ रहा है, डिफाइन यहाँ पे डिफाइन था, यहाँ पे क्लोज सर्कल था, यहाँ डिफाइन था, यहाँ पे भी डिफाइन था, यहाँ पे भी क्लोज सर्कल था, लेकिन यहाँ पे क्या ओपन है, तो फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या है नॉट डिफाइन है। यस सर, और ये भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस बोलो डायग्राम देख के। कंटिन्यूस सर, ये कंटिन्यूस दिख रहा है क्या, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस क्लियर तो दिख रहा है, यहाँ पे ओपन आ रहा है। फिर आपने तो कहा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होएंगे तो कंटिन्यूस होएगा, मैंने कब कहा, मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेकिन किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के सर, फंक्शन तो कंटिन्यूस। ओके सर, यहाँ पे तो ग्राफिकली दिख रहा है ना, ऐसे जा रहा है फिर ओपन करके, आप ही अभी आप ही ने तो बोला था कि ये वाले ग्राफ सबके सब क्या डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस, इसको भी आपने क्या बोला था डिसकंटिन्यूस आया ना, यस यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस क्यों, यहाँ पे कारण क्या होगा इस लास्ट वाले में, यहाँ पे आपकी क्या होगी एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या है नॉट डिफाइंड, क्लियर है। इस केस में क्या है फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइंड ही नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ पे तीसरे केस में फंक्शन की वैल्यू ए पे तो डिफाइंड है लेकिन लिमिट की वैल्यू भी डिफाइंड है लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू ए पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, डिफाइंड तो है लेकिन आपस में, क्लियर है। यस सर, तो ये जो लास्ट वाला केस है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ए पे अगर पूछूंगा, ए पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, एन के बराबर, लिमिट की वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट साइड, अरे यार माइक का इशू आ रहा है, किसका माइक आ रहा है, आपके माइक का किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, एक बार चेक करो, सर हो गया सही हो गया बंद। तो यहाँ पे ध्यान से देखो लास्ट वाला केस में क्या बताया कि फंक्शन की वैल्यू ए पे तो डिफाइंड है और लिमिट भी डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड है लेकिन दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं, नो सर, एलएचएल आरएचएल आपस में बराबर थे लेकिन नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, इसलिए यहाँ पे भी क्या हुआ फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। अब क्या बात ध्यान रखनी थी कि कंटीन्यूअस तभी होगा जब एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगी तो ही फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस सर। अच्छा अब डिसकंटिन्यूटी के कारण क्या क्या है वो मैं समझाता हूँ, डिसकंटिन्यूटी के कारण क्या क्या है, पहला रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, आया ना, बोलो। यस सर। सेकंड फंक्शन की वैल्यू वहां पे नॉट डिफाइंड हो, क्लियर है। और तीसरा कारण मान लो लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपस में दोनों बराबर ना हो, ठीक है, तो ये तीन कारण हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या समझ में आ गया, यस सर, यस सर। कंटिन्यूस कब होगा इतना ध्यान रखो, कंटिन्यूस कब होगा जब लेफ्ट हैंड उस पॉइंट पे उस कंटिन्यूटी का पॉइंट देख रहे हैं, ध्यान रखना किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और लिमिट कैसे निकालते हैं ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में सीखा है, Yes। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एकदम शांति से ट्राई करो,
कंटिन्यूटी चेक करनी, पहले वाले में जीरो पे और दूसरे वाले में जीरो और वन दोनों पे। तो ए पार्ट में जीरो पे चेक करो, सर ए डिसकंटिन्यूअस है। यस सर, ए डिसकंटिन्यू जा रहा है। यस सर, ए डिसकंटिन्यू। यस सर, ओके वेरी गुड। आगे करो बी पार्ट। B part continues. ठीक है, मैं सिखा रहा हूं एक बार, सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करें। फर्स्ट वाले में जीरो पे देखना था, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो माइनस, तो जीरो माइनस मतलब लेस देन जीरो। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स को जीरो रख देंगे। यस सर, यस सर, लेफ्ट हैंड लिमिट टू आ जाएगी। राइट हैंड जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो में फंक्शन क्या, थ्री, फंक्शन की वैल्यू थ्री। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड पार्ट में जीरो पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस लेस देन जीरो, लेस देन जीरो पे ये फंक्शन है वापस से, यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या आएगा, टू, टू आएगा। यस, जीरो प्लस यहाँ पे जीरो रखोगे तो वापस कितना आएगा, टू, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी कितनी आ रही, टू, तो क्या कंटिन्यूस आ जाएगा। यस सर, यस। लास्ट वन पे लेस देन वन ये रहा, एक्स लेस देन वन ये रहा, यहाँ पे एक्स को वन रखोगे तो कितना आ जाएगा, फाइव सर। यहाँ पे ग्रेटर देन वन में यहाँ पे वन रखोगे तो कितना आएगा, थ्री माइनस टू। तो क्लियरली दोनों ही आपस में इक्वल नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूस। आ गया समझ में, फंडामेंटल है, क्लियर है। यस सर, ओके चलो एक और ट्राई करो। अगेन जब मैंने आपको लिमिट में सिखाया था, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्रॉपरली निकाल। यस, तो वन पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, फंक्शन ऑलरेडी दिया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो।
कंटिन्यूज आएगा सर। कंटिन्यूस आ रहा है? यस सर। यस सर। मेरा तो डिसकंटिन्यूज आ रहा है। ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। डिसकंटिन्यूस है। वन माइनस मतलब क्या होता है? 0.999। यस सर। तो 0.999 है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी डेसिमल में आएगा। यस सर। डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? जीरो। यस सर। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखो न्यूमरेटर में तो क्या आ रहा है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक्स को अगर आप वन रखोगे तो वन माइनस, वो भी वन से थोड़ा सा कम, उसमें से माइनस वन होगा तो नंबर जीरो माइनस की तरफ जाएगा। यस सर। मतलब माइनस ऑफ 0.0000 समथिंग ऊपर माइनस वन, तो बेसिकली माइनस माइनस कट होके नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। अब अगर मानो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी जा रही है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या लिख दोगे? डिसकंटिन्यू। क्योंकि आपको देखो ग्राफ आपका अगर लेफ्ट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था ऐसे ही होगा, है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। डिनोमिनेटर में नंबर बहुत छोटा है, ओवरऑल नंबर क्या जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रही तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन को क्या लिख दोगे? डिसकंटिन्यूस। तो ये भी एक कारण होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चौथा कारण डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू के टोटल चार कारण होते हैं और ये लास्ट कारण क्या था? इफ एनएचएल और आरएचएल इज गोइंग इंफिनिटी, है ना? यस सर। तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। ठीक है। अब सेकेंड वैरायटी। अब क्वेश्चन में आपको पहले से बता देंगे कि अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूस है तो एबीसी की वैल्यू निकाल, मतलब अननोन अननोन पूछेंगे। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन आपको पता ही है ना क्या होती है? कंटिन्यूस है मतलब क्या कंडीशन? एलएचएस आरएचएस। यस सर। आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होगी? बराबर। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना, करो ट्राई। बी ऑप्शन आएगी सर, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2। नहीं, मेरे सी ऑप्शन आ रही है सर। क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन। बताओ क्या आ रहा है? बी आ रही है। यस सर। बी। देखो देखो अपने अपना एलएचएल निकालोगे तो 5a माइनस 2b, आरएचएल 3a प्लस बी, फंक्शन की वैल्यू 1p 11 के बराबर है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को साथ में सॉल्व करके a 3 आएगा b 2 आएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर पाओगे?
यस सर। सर। थ्री ए प्लस बी इक्वल टू इलेवन, एक इक्वेशन तो क्या है, और दूसरी इक्वेशन क्या है कि फाइव ए माइनस टू बी इक्वल टू इलेवन। ऊपर वाली इक्वेशन को मान लो टू से मल्टीप्लाई कर दे, और दोनों को अगर मैं इधर देखो प्लस टू बी माइनस टू बी दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, सिक्स प्लस फाइव इलेवन है इक्वल टू 33। तो क्लियरली ये कितना आ रहा है, ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? यस सर। चलो एक सेकंड ना, मैं अगला भी कह रहा हूँ, अगले का आंसर पहले से टिक करके। अगला वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। करो सर, एक्स और बी, ए और बी की वैल्यू तो इसमें सेम आएगी क्या? सर, ए और बी की वैल्यू तो इसमें सेम आएगी, तो लास्ट के तो दो कैंसिल ही हो गए स्टार्टिंग में। यस सर। वेरी गुड। अब कौन सी वैल्यू रखने पे काम होगा देख लो। बी ऑप्शन। क्या आ रहा है? अच्छा सर हमारी तो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है। सर देखो, हाँ ए ऑप्शन है। आप दोनों सुनो ध्यान से। आपने एक चीज क्या प्रिडिक्ट कर ली डायरेक्टली कि सर यहाँ पे ये सेम है ये सेम है, तो इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, ये गलती होगी। क्यों? क्योंकि बी ऑप्शन तो वहां वैसे भी नहीं आता, क्योंकि अगर ए और ए प्लस बी करते तो टू ऑफ टू आ जाती वैल्यू। पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे अलग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका मॉड्यूलस फोर पे है और इन दोनों पे वैल्यू फंक्शन की अलग अलग आएगी। फोर पे इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो दोनों को सेम होने के लिए ए और बी भी अलग अलग होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी सेम है, आपको निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो देखो मॉड्यूलस फंक्शन फोर पे, तो आपको पता है मॉड एक्स माइनस फोर कैसे बिहेव करता है। ये चीज कहाँ पे टूटेगी? फोर पे टूटेगी। यस कोई भी एक चीज हमेशा दिमाग में छाप लो, मॉड का फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है? वेयर, जहां पे वो जीरो है ना। अब ये जीरो कहाँ पे? फोर पे, तो फोर पे ब्रेक होगा। अब चार से ज्यादा रखोगे क्वांटिटी तो अंदर चीजें पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव अगर होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ऐसा केस जो है वैसा वैसा ओपन हो जाएगा। अंदर चीज अगर नेगेटिव है, चार से कम, चार से कम रखोगे वैल्यू दो एक जीरो, तो अंदर चीजें नेगेटिव आएगी। अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो जो भी आंसर उसका माइनस टाइम्स होगा। ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लो। फोर माइनस पे क्या होगा? ये माइनस टाइम्स ओपन होगा, कट जाएगा तो माइनस वन बचेगा। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? माइनस वन प्लस एक। आरे चल जब निकालोगे फोर प्लस यहां पे रखोगे तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, कट के वन आएगा, तो आरे चल क्या जाएगा? वन प्लस बी। और फंक्शन की वैल्यू फोर पे कितनी की? वन है, ए प्लस बी। अब एक एक करके दोनों को इक्वेट कर दो। सबसे पहले माइनस वन प्लस ए को
ए प्लस बी से इक्वेट करेंगे, ए कैंसिल, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन। फिर वन प्लस बी को भी इक्वेट करेंगे ए प्लस बी से, बी बी कैंसिल, ए कितना आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रख, यहाँ पे भी अगला ऑप्शन दे दिया मैंने, वो तो ऑप्शन हटाने दो, फिर से सॉल्व करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या? फंक्शन अगर के पे कंटिन्यूअस है तो मतलब लिमिट की वैल्यू, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकल सकती है जीरो पे ना, यस सर। ग्रेटर देन लेस देन का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की क्या होगी, बराबर। तो यस आपको डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लगाना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक ही नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट लिमिट निकाली जा सकती है, यस सर। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे के है। बताओ इसको लिमिट को कैसे सॉल्व करने का तरीका बताया गया था, याद करो। इसके फंक्शन से डिवाइड यस करते सर, हैं फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉस यस सर। वाला क्या फॉर्मूला सिखाया था लिमिट में, याद करो। एक साइन का था साइन एक्स अपॉन एक्स, कॉस का था कॉस एक्स अपॉन एक्स, कॉस का क्या था सिर्फ वन फॉर्मूला याद माइनस, है? सिर्फ वन माइनस कॉस का फंक्शन अपॉन उसका फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फंक्शन और फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन जीरो की तरफ अगर जा रहा था, यहाँ पे टू एक्स है, टू एक्स का स्क्वायर कितना होता है फोर एक्स स्क्वायर, नीचे टू एक्स स्क्वायर है, तो एक फोर की यस जरूरत सर। है, तो टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, ताकि ये जो हो जाए मेरा वन माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, ये पूरा कितना हो जाएगा वन बाई टू है ना, यस इक्वल टू सर। के। अब लिमिट सॉल्व हो जाएगी, टू इंटू वन बाई टू कितना आ जाएगा, देख लो ध्यान से समझ में आया कि सिंपल लिमिट है, अगर लिमिट्स याद होगी तो एक चैप्टर आसान है, लिमिट्स की प्रैक्टिस कम होगी तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। ये लिमिट का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि नहीं था, यस तो सर। लिमिट्स का चैप्टर आना चाहिए अगर ये दोनों चैप्टर करने हो। अगले क्वेश्चन में बोला कि अगर ये फंक्शन पाई बाय फोर पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय फोर पे बताओ, तो फंक्शन की अगर पाई बाय फोर पे कंटिन्यूअस, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय फोर क्या किसके बराबर होगी, उसकी लिमिट के बराबर, यस निकालो उसकी लिमिट। ये भी क्वेश्चन करो,
गया। अपॉन 32। -1/2। देखते हैं, चलो देखो ध्यान से। एक्स को पाई बाय फोर रखने पे कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या? यस सर। 0/0 को फॉर्म को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए थे। एक तरीका यहाँ पे, या तो इसको लिमिट को 0 बना दो, एक्स माइनस पाई बाय फोर को टी मान लो, और दूसरा 0/0 में एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। यस तो पहले एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करते हैं? बताओ, करेंगे ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस सेकंड स्क्वायर। हाँ, 1 का 0 10 का सेकंड स्क्वायर एक्स है ना, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4। 4। अब पाई बाय फोर रख दो, सेकंड पाई बाय फोर क्या होता है? 10 sec 45° √2, तो √2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ। तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय फोर पे कितनी होगी? माइनस हाफ के बराबर। 1/2। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? तो यस सर। लिमिट्स की प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो ही हो पाएगी। चलो तो अगला करो। आज घर जाके लिमिट्स की मॉड्यूल कर लेना, कल डाउट डिस्कशन कर लेना। सर -1, -3 आएगा। देखते सर 1, +/-3। अलग अलग क्यों आंसर आ रहे? सबके सब अपने अपने आंसर चेक करो। ऐसे कैलकुलेशन एरर नहीं करना है ना, एग्जाम में +4 की जगह -1 आएगा। आसान चैप्टर, अगर इसको में भी गलतियां करोगे तो नंबर स्कोर ही नहीं कर पाओगे। तेरे सॉल्व बोलिए। करेक्ट। यस सर। फंक्शन की वैल्यू 0 पे 4 के बराबर गिवन है, बोला है 0 पे कंटिन्यूअस है। तो अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो वही कॉन्सेप्ट, लिमिट की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? इक्वल होगी। बोलो, यस सर। यही कॉन्सेप्ट लगेगा हर क्वेश्चन में। तो a cos x माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, दैट इज 4। सही है। यस सर। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे? 0 की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0/0 है क्या अभी भी? यस सर। तो 0/0 को एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लें। यस सर। दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नीचे एक्स स्क्वायर है। पहली बार करोगे तो क्या आएगा? 2x। 2x। ऊपर का क्या आएगा? -a sin x। यस सर। साइन बी साइन बी माइनस बी एक्स। एक बार और कर दो, फिर वापस 0/0 फॉर्म ही है। माइनस ऑफ ए कॉस एक्स
माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, सही है? यस सर। अपॉन टू इक्वल टू फोर, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब आप लिमिट की वैल्यू रख दो, एक्स को जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, आया ना? तो क्या बचेगा? माइनस ए, माइनस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर, सही है? यस सर। और ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट, एक इक्वेशन ये आ गई। यहां तक समझ आया? यस सर। एक इक्वेशन और कहां से आएगी? देखो ध्यान से, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। यस सर। यहाँ पे आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे जीरो की तरफ जा थोड़ी रहा था, ऊपर क्या रहा था? ए माइनस वन आ रहा था ना, और अगर एक्स को जीरो रखोगे तो कितना आ रहा है? ए माइनस वन आ रहा है, आया ना? यहाँ एक्स को जीरो रखो, कॉस जीरो कितना आएगा? वन, तो ए माइनस वन आ रहा है। यस सर। इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म बनना पड़ेगा तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? वन। ए की वैल्यू यहाँ पे वन रखोगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या आपने? सर जो हाँ माइनस कॉस बी एक्स था विच का में प्लस बी साइन एक्स आएगा। बी स्क्वायर डाल दो। तो बी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? नाइन, तो बी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस थ्री। क्लियर हो गया? यस सर। ये बात है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये भी आसान है, टफ नहीं है, सुनना ध्यान से। कंपोजिट फंक्शन की कैसे कंटिन्यूटी चेक करें? कंपोजिट फंक्शन मतलब फॉग और गॉफ। मान लो ए पे चेक करना है तो वापिस वही काम करना, एल एच एल निकालो, आर एच एल निकालो और फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालो। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन बस थोड़ा ध्यान से निकालना, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, एक मिनट। कंपोजिट फंक्शन पहचानने तो आता ना, कैसा होता कंपोजिट फंक्शन? यस सर। इसी में करते हैं, रुको, इसी में पहले टू पे निकालते हैं, टू पे चेक करते कंटिन्यूटी, है ना? मैं करके दिखा रहा हूं। तो टू पे मैं आर एच एल निकाल रहा हूं, तो सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, जो फंक्शन फॉग है, अभी कोई कुछ लिखना मत, पहले समझना अच्छे से, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फॉग एट x इक्वल टू टू। तो फॉग की कंटिन्यूटी में चेक कर रहा हूं टू पे, तो कंटिन्यूस कब होगा? जब टू प्लस टू माइनस और टू पे फंक्शन की तीनों की वैल्यू इक्वल होगी तो कंटिन्यूस होगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो एक ही करके निकाल के देखते हैं, फॉग ऑफ टू मतलब f ऑफ g ऑफ टू। यस सर। ये समझ में आता है ना, फॉग मतलब f ऑफ g ऑफ टू। अब g ऑफ टू बताओ कितना होगा? 2x minus 2। हाँ, 2 equal to 2 यहाँ पे gx में, यहाँ पे 2 रख दोगे? Yes sir। तो कितना आ जाएगा ये? 4 minus 2। 2 आएगा। अब function की value 2 पे कितनी है? 2। function की value f कहाँ पे रखोगे? x minus 5। 5 sir। x minus 5। तो कितनी आएगी? 7। एक बार ध्यान से देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का समझ में आया सबको?
यस सर। देखो आरएचएल निकालते हैं, 2+, 2+ में बताओ फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ऊपर वाले में कि नीचे टू वाले एक्स में? नीचे नीचे वाले सर, वाले, नीचे वाले सेकंड में सर। नीचे वाले में जाएगी तो वापस वही आएगा। 4 माइनस 2 2, अच्छा 2+ आएगा कि 2- आएगा इस बार? 2+ आएगा। 2+ टू प्लस ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू 4+ होगी, 4+ -2 तो 2+ ही आएगी। यस सर। ये ध्यान रखना है, 2+ लिखना, 2 मत लिख देना, 2 तो ऊपर आएगा, लेकिन 2+ रखोगे तो ये 4+ बनेगा, 4+ -2 कितना बनेगा, 2+ बनेगा, है ना? अब 2+ में कहाँ यस पे जाएगा, सर। F+5। यहीं पे जाएगा। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 7 की तरफ, आंसर 7 लिख देंगे, है ना? यस लास्ट सर। 2- चेक करते हैं। तो 2- पे कौन सा फंक्शन आएगा? ओपन -1। यहाँ पे ध्यान से रखना, 2 -1, तो 2 से थोड़ा सा छोटा में से 1- करेंगे तो कितना आएगा? 2- 2 -1 कितना आएगा? 1 आएगा ना, लेकिन 1 से भी थोड़ा सा छोटा। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। 2- में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली क्या आएगा, 2- मतलब 1.9999 समथिंग, में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0.9999 समथिंग, दैट इज के 1- ही तो है ये, 1 से थोड़ा सा छोटा आया ना। यस सर। अब 1- पे कहाँ पे वैल्यू रखोगे, 1 से थोड़ा सा कम, 1 कहाँ पे आएगा, एफ फंक्शन एफ में, 0 और 2 के बीच में आएगा 1, यस सर। यहाँ पे रख देंगे 1। तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। थ्री? तो फंक्शन बताओ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस सर। आसान है चेक करना? यस सर। कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। चलो इस क्वेश्चन को, ये वही तो नहीं, वापस अलग है। हाँ, 2 पे चेक करो कंटिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूज है सर। डिस्कंटिन्यूस। पक्का? यस सर। सर। यस सर। देखो एलएचएल -3, आरएचएल 7 आ रहा यस सर। है। पक्का? यस सर। यस। अब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। fx आपको दिया हुआ है, और gx आपको दिया हुआ है। पूछा गया है कि जो फंक्शन फॉग, एक एक्स की किन किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो एफ के अंदर आपको क्या रखना है, जीएक्स, है ना? यस सर। मतलब एफ के अंदर जीएक्स जाएगा तो क्या होगा, जीएक्स प्लस 1 अपॉन जीएक्स माइनस 1। जी अब समझना अच्छे से, आपके हिसाब से ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा जब जीएक्स कितना हो,
ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा? सर वन पे, वन पे डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ना? जी एक्स मतलब should not be equal to 1, should not be equal to 1, so x should not be equal to 3. यहाँ तक समझ में तो एक पॉइंट तो आ गया 3. ये क्लियर है? यस सर. और कोई भी पॉइंट आएगा कि सिर्फ यही आएगा? बताओ. 2 भी है. हाँ, अब gx को भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि x तो g के अंदर भी तो जाएगा. बोलो. यस सर. Yes, तो gx में क्या देखोगे कि x minus 2 should not be equal to 0, so x should not be equal to 2. So find the point of discontinuity. आंसर क्या आएगा final? 3 or 2. 2 और 3 पे फंक्शन क्या होगा? Discontinuous. ये वहीं पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, है ना? Yes sir. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? Yes sir. चलो इसको भी करो, बताओ ध्यान से करके अच्छे से बताओ. हो गया? सर सेकंड ऑप्शन. पूरा ढंग से क्रॉस चेक करो, गलत क्यों देते हो आंसर जल्दबाजी में? अच्छे से करो वापिस से. ऑप्शन सी ही आ रहा है सर. अच्छा, मैंने कितनी बार कहा आपको, देखो आप ऐसे जल्दबाजी में गलतियां करोगे तो यूं इसलिए नेगेटिव मार्क्स आते हैं. अभी सिखाया फिर गड़बड़ कर दी. सुनो ध्यान से, वाई ये दिया हुआ तो कहाँ पे डिस्कंटिन्यूस होगा? एक्स की किन वैल्यू पे? सबसे पहले वाई को देखो ध्यान से, वाई कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइन, सॉरी ये इसके फैक्टर क्या बनेंगे? यू प्लस टू और यू माइनस वन है ना? दो और वन नहीं होना चाहिए. बोलो. यस सर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे अगर? एक तो हाफ नहीं होना चाहिए, पहले से ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे. ऊपर के दो तो अपना पड़ गए, है ना? यस सर. दूसरा वन भी नहीं होना चाहिए, ये फैक्टर सही बना है ना? हाँ. तो एक्स क्या आएगा? नॉट इक्वल टू टू. दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया, समझ में आया? और तीसरा ये यू भी डिफाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू वन. तो तीन सॉल्यूशन आएंगे, वन, वन बाय टू और टू. देख लो समझ में आए? पहले तो y को देखा ना, तो y के दो फैक्टर आ रहे थे, ये दोनों की जगह नॉट इक्वल होना चाहिए ना? बोलो.
यस सर, सर। नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। तो एक्स की तीन वैल्यू आई। आ गया पक्का? यस यस सर। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी इन इंटरवल। कोई भी फंक्शन, अब तक अपन ने क्या देखा था, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी। किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों आपस में बराबर होगी, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब किसी इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा, तो दो तरह की इंटरवल बताई गई है, एक ओपन इंटरवल और दूसरी क्लोज इंटरवल। ओपन मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, तो ए और बी के बीच में। तो बोला गया ए और बी के बीच में, अगर ए और बी के बीच में जितने ही पॉइंट है उन सब जगह कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। इस मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के बीच में जितने ही पॉइंट है वहां पे अगर हर जगह कंटिन्यूस, तो ओवरऑल क्या बोलोगे, कंटिन्यूस बोलोगे। समझ में आ गया ना, आसान भाषा में बोलो। मतलब बोलो तो साइन एक्स से 0 से π/2, मतलब 0 से π/2 के बीच में अगर हर जगह कंटिन्यूस है, तो फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूस होगा। टेन एक्स की मैं बात करूँ तो 0 से π/2 में, अगर टेन एक्स 0 से लेके π/2 ओपन में हर जगह कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल कंटिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा अगला, क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे भैया। अगर क्लोज इंटरवल ले ली, तो एक ओपन इंटरवल में तो चेक करना ही है, ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, एक वो बेसिक रूल तो चलेगा ही सही कि बीच में हर जगह क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। अब एंड पॉइंट पे भी देखना है, लेकिन एंड पॉइंट पे कैसे देखेंगे समझना अच्छे से। जैसे मान लो मैं ए से बी की बात कर रहा हूं, अगर तो ए के लेफ्ट में ग्राफ क्या होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ए से बी की बात करनी है। मारा है बोलो। यस ध्यान से, अगर कंटिन्यूटी में चेक कर रहा हूँ क्लोज इंटरवल ए से बी में, और कोई ग्राफ मान लो मुझे ऐसा दिया होगा, इस तरह से, और मान लो इसके पहले कुछ ऐसा हो रहा, तो अगर मैं आपको पूछूंगा बताओ ए से बी में फंक्शन, आपको कंटिन्यूस बोलोगे कि डिसकंटिन्यूस बोलोगे, डिसकंटिन्यूस क्यों क्यों डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस। ए से बी के बीच में देखो ध्यान से, क्या ए से लेके जब बी तक जाओगे, तो क्या कहीं पे भी आपको पेन को लिफ्ट करोगे क्या, यहां से यहाँ गए फिर यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ पे आ गए, तो ए से बी के बीच में कहीं पे पेन को लिफ्ट करना पड़ा क्या, मेरे को ए से स्टार्ट किया बी तक गया, कहीं भी पेन को लिफ्ट किया क्या मैंने, नो सर। तो ए से बी क्लोज इंटरवल ए से बी में तो कंटिन्यूस ही है ना, यस सर। है ना। हाँ अब ए के लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे तो फंक्शन डिस्कंटिन्यूस, इधर इसके इधर देखो मेरे को ग्राफ के इधर से मतलब नहीं है, तो ए पे मैं क्या चेक करूंगा, ए पे मुझे सिर्फ किससे मतलब है, राइट हैंड लिमिट से, क्योंकि मेरा फंक्शन ए से आगे जा रहा है ना, तो ए पे मुझे किससे मतलब है, राइट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर। ए के लेफ्ट में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रही बात समझ में, ए के लेफ्ट में कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ए पॉइंट ए पे, इस वाले एंड पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा, राइट हैंड लिमिट, और इस वाले एंड पॉइंट पे क्या देखेंगे, क्योंकि बी तक जाना है, तो इस वाले एंड पॉइंट पे क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके राइट में कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट पे कैसे देखना है, इस वाले एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट देखना और इस वाले एंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखना, और वो फंक्शन की वैल्यू के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और ओवरऑल बीच में तो कंटिन्यूस होना चाहिए, और एंड पॉइंट पे क्या देखोगे, फर्स्ट वाले पे राइट हैंड लिमिट, सेकेंड वाले पे लेफ्ट हैंड लिमिट। आई बात समझ में, ठीक यस सर। है। बाकी उसके आगे पीछे कुछ भी और उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ लो ये। क्लियर हो गया। यस सर। अब बोला गया है कि ए और बी की वैल्यू बताओ, अगर 0 से π में फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 0 से π में कंटिन्यूस, तो हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए 0 से π के बीच में,
यस सर, मतलब 0 से पाई, अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है तो यहाँ पे भी पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस यस सर, ना। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। पाई बाय 4 पे भी एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू बराबर कर देना, पाई बाय 2 पे भी तीनों बराबर कर देना, क्योंकि ये तो पॉइंट इंटरवल के बीच में आ रहे ना, है ना। तो पाई बाय 4 पे और पाई बाय 2 पे एलएचएल आरएचएल बराबर करोगे तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, दो इक्वेशन दोनों वेरिएबल को सॉल्व कर लेना, कर लोगे। यस सर, यस अब देखो ये लास्ट, ये ऑलरेडी मैंने अभी बताया था, डिस्कंटिन्यूटी के कितने कारण है समझाए आपको बताओ। चार सर, चार फोर कारण। टाइप, कारण, बहुत बढ़िया। अब उन्हीं बस चार कारण को इन्होंने क्या करा, एक स्पेशल नाम दे दिया, बस उस नाम को आपको याद रखना है ताकि ऑप्शन में कभी कभी नाम से आपको पूछ दे देंगे। तो चार तरह के हमने डिस्कंटिन्यूटी पढ़ी, उसको स्पेशल नाम दे दिया। अब मैं चारों के डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, आप भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। पहला, ये डिसकंटिन्यूस था, यहाँ पे क्या हो रहा था, एलएचएल फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है, लिमिट भी डिफाइन है, बस दोनों आपस में बराबर नहीं थे, याद आ रहा है, यस सर, यस सर। इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस था। तो पहला, दूसरा, मान लो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, याद आ रहा है, यस सर, यस सर। ये दोनों एक सिंगल टाइप के अंदर आते हैं, ये दोनों के दोनों जो टाइप पे वो आते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, किसके अंदर, क्यों, रिमूवेबल डिस्कंटीन्यूअस, क्योंकि इस यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते, कैसे रिमूव कर सकते, अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी और यहाँ पे भी सर्कल बना दे तो डिसकंटिन्यूटी हट जाएगी, यस सर, इसलिए इसको क्या बोला गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो पहला पहला टाइप के अंदर रिमूवेबल, उसके अंदर ये दो टाइप। इसके अलावा इसी का जो सेकेंड टाइप है, एक हो गया एक मेजर क्लासिफिकेशन, तो क्या हो गया रिमूवेबल, और सेकेंड मेजर क्लासिफिकेशन इररिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल। अब नॉन रिमूवेबल के भी दो टाइप, एक अब रिमूव नहीं की जा सकती। अगला कारण क्या था, डिसकंटिन्यूटी का, क्या एलएचएल और आरएचएल आपस में बराबर ना आ जाए, यहाँ पे तो फंक्शन ही अलग अलग जा रहा है ना, तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, याद आ रहा है। तो यस सर, ये किसके अंदर आएगा, इररिमूवेबल के अंदर। और इसका एक और टाइप लास्ट, कि जब मान लो कोई भी लिमिट इन्फिनिटी पे चले जाए, व्हेन एलएचएल और आरएचएल गोस टुवर्ड्स इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, है ना, यस सर, ठीक है। तो देखो, रिमूवेबल के दो टाइप, इररिमूवेबल के दो टाइप, अब इनको भी नाम दे दिया गया अलग अलग, ये फर्स्ट काइंड, ये सेकेंड काइंड, और इन चारों के भी स्पेशल नाम है। क्या क्या स्पेशल नाम है एक बार देख लो। देखो, डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप, एक रिमूवेबल एक इररिमूवेबल। इररिमूवेबल के भी दो टाइप, फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड, याद आ रहा है। फर्स्ट काइंड कौन सा वाला, ये वाला जब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, याद रख लोगे। यस सर, सेकेंड काइंड का, कोई भी एक इन्फिनिटी पे चला जाए, एल एच एल आर एच एल इज नॉट डिफाइंड। और इसके भी दो टाइप, रिमूवेबल के दो टाइप कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। ये जहां पे लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है पर वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इसको नाम दिया गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसको नाम दिया गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसका नाम क्या है, ये पॉइंट आइसोलेट हो गया ना, दूर चला गया, इसे याद रख लेना, आइसोलेटेड, इसको दूर बिठा दिया अपन ने, है ना, इसका नाम क्या दे दिया, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है, तो इसको क्या नाम दे दिया,
बोलो जवाब दो, क्या नाम दे दिया? मिसिंग मिसिंग पॉइंट। पॉइंट। इसका यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या गया, जंप टाइप आ गया, यहाँ से यहाँ ग्राफ जंप करके इसका नाम क्या दे दिया, जंप डिसकंटिन्यूटी। और लास्ट वाले का नाम दे दिया गया असेंशियल डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड, मिसिंग, जंप और असेंशियल, ये चार तरह के नाम है। तो चारों के कारण देख लो, आइसोलेटेड कब आएगा, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा पर आपस में बराबर ना हो। मिसिंग पॉइंट कब आएगा, जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ही डिफाइन ना हो। जंप कब आएगा, एल एच एन नॉट इक्वल टू आर एच एन। और असेंशियल कब आ जाएगा, जब कोई एक नॉट डिफाइन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन के पता कौन सी डिसकंटिन्यूटी आएगी, या फिर एक काम करोगे, और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये वाला कर लो, करो ट्राई। लिमिट पता करो, एलएचएल आरएचएल जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। कहीं पे चेक करेंगे, 2 पे निकालोगे कि नहीं? 2 यस माइनस नो पे क्या होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा, कट जाएगा, यस सर। और 2 रख दोगे ऊपर, 3/5, कितना आएगा ये, थ्री बाई माइनस थ्री फाइव बाई फाइव फिर +3/4 नहीं आएगा आरएचएल पे तो माइनस आएगा ना, ये नेगेटिव ओपन होगा तो। हाँ सर, माइनस मल्टीप्लाई भी होता -1। पे मल्टीप्लाई है, माइनस आएगा ना। यस सर, यस माइनस है। तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग, यस कैसे सर, डिफाइन माइनस। होगा? लेस देन 2 में नेगेटिव ओपन होगा, एलएचएल जब निकालोगे तो यस ये सर। मोड नेगेटिव ओपन होगा, माइनस टाइम्स, तो माइनस माइनस कटोगे, -1 बचेगा, 2 रख दोगे तो -3/5। आरएचएल में 2+, 2+ में मोड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, और फिर 2 रख दोगे तो +3/5। यहाँ पे एल एच एल आर एच एल दोनों आपस में बराबर नहीं, तो कौन सी टाइप आएगा, रिमूवेबल के इररिमूवेबल? रिमूवेबल सर, नॉन रिमूवेबल। एल एच एल आर एच एल नॉट इक्वल, नॉन रिमूवेबल, नॉन नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। क्लियर हो गया? यस यस सर। बोलो। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूटी की सारी थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे, तो मॉड्यूल सॉल्व करोगे तभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी अटकेंगे और उनका डाउट डिस्कशन होगा, तो ही फायदा है। तो आपको मैं समय दे रहा हूँ आज का पूरा, पिछले क्लास में मैंने बोला था सैटरडे फ्राइडे को कि भाई लिमिट सॉल्व कर लेना, अगर आपने सॉल्व करी होगी तो अच्छी बात है। कल की क्लास में लिमिट्स और कंटिन्यूटी का डाउट डिस्कशन होगा,
अगर आप करके आओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं करके आओगे तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से मतलब नहीं है। तो कल की क्लास तक का टाइम है आपके पास, लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों के मॉड्यूल सॉल्व करके आना, क्लियर है? यस सर। ओके, और मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कर लेना, जो जो सिलेबस में जितना मैंने पढ़ाया उसको।